हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। तो आज का हमारा टॉपिक है आईसी यानी कि औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं नियंत्रण यानी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो कंट्रोल उसका सब्जेक्ट का जो हमारे हाई पावर डिवाइसेस हैं, हाई पावर स्विचिंग डिवाइसेस हैं उनका ये टॉपिक है पीएन संधि डायोड। क्या है पीएन संधि डायोड? तो पीएन संधि डायोड को समझाता हूँ मैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी इस टॉपिक में जस्ट मैं पीएन संधि डायोड बताने जा रहा हूँ। तो ये समान उद्देश्य डायोड है यानी कि एक ये जनरल पर्पस डायोड है। समान उद्देश्य मतलब जनरल पर्पस में यूज होता है जो एक पीएन संधि से निर्मित होता है। कैसे निर्मित होता है? पीएन संधि से। अब ये थ्योरी जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं मैं इसको एकदम एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ये इस थ्योरी से ज़्यादा आप वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या है, ये मैंने पी टाइप बनाया हुआ इस साइड, ये पी टाइप है अर्धचालक, ठीक, और ये एन टाइप अर्धचालक है। क्या है? पी टाइप और एन टाइप। अब यहाँ पे अगर आपको सब समझ में आ गया, पी टाइप में माइनॉरिटी क्या होते हैं, पी टाइप में जो अल्पसंख्यक में होते हैं वो होते हैं होल। क्या होते हैं? होल, और उनको बोलते हैं छिद्र। तो ये पी टाइप में जो अल्पसंख्यक में होते हैं ये होल होते हैं। क्या होते हैं? होल। ये पॉजिटिव होते हैं पी टाइप में और ये होते हैं होल। ये बहुसंख्यक होते हैं होल, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी टाइप में वो बहुत कम होते हैं, दो तीन ही होते हैं। और एन टाइप में क्या होते हैं? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और पॉजिटिव बहुत ही कम होता है, पॉजिटिव बहुत ही कम होता है, पॉजिटिव बहुत ही कम होता है, इक्का दुक्का पॉजिटिव होते हैं। जब पी टाइप को एन टाइप से मिलाया जाता है तो ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव से, तो ये नेगेटिव वाला इस साइड आ जाता है ऐसे ऐसे, और ये पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होके यहाँ पहुँच जाता है, या अट्रैक्ट मतलब इससे आकर्षित होके यहाँ पे आ जाता है ये पॉजिटिव, और यहाँ पे बन जाती है एक डिप्लीशन लेयर, एक लेयर बन जाती है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत कहते हैं, परत यानी डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ध्यान से समझना। ये है पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी होल, यानी कि छिद्र उपस्थित रहते हैं, छिद्र बहुसंख्यक उपस्थित रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन मैंने एक दो तीन इलेक्ट्रॉन बनाए ये अल्पसंख्यक रहते हैं पी टाइप वाले डायोड में, पी टाइप अर्धचालक में। एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है दोस्तों? एन टाइप अर्धचालक में एन मतलब निगेटिव, निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, निगेटिव 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 निगेटिव, बट पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होता है। देखो पॉजिटिव कम है, जब इन दोनों को मिलाया गया तो पॉजिटिव वाला निगेटिव से अट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिव वाला देखो नेगेटिव से अट्रैक्ट होके ये पहुंच गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से अट्रैक्ट होके ये पहुंच गया, और एक बार पहुंच गया तो अब ये इसको पहुंचने के बाद क्या हुआ, रिपेल करने लगा तो यहीं पे रुक गया, और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव से यहाँ आकर्षित होके यहाँ पे आ गया, तो ये बन गई एक परत, और इस परत को ही डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। अब आते हैं हम अपनी थ्योरी पे। जब पी टाइप अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर तथा एन टाइप अर्धचालक एक सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक डोपन क्रिया द्वारा निर्मित किए जाते हैं। कौन सी? डोपिंग की क्रिया द्वारा। डोपिंग मतलब उसमें अशुद्धि मिलाना। तो पीएन संधि का निर्माण होता है, कौन सी संधि का निर्माण होता है? पीएन संधि का, और दोनों अर्धचालक परतों के बीच अवक्षय परत यानी डिप्लीशन लेयर का निर्माण होता है, जिससे ये दोनों परतों के बीच संपर्क विभवांतर उत्पन्न हो। अब विभवांतर कैसे? देखो एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर ऐसे बन गई और एक नेगेटिव चार्ज की लेयर ऐसे बन गई, ठीक, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, तो ये एक वोल्टेज बन गया, इसी को विभवांतर बोलते हैं, विभव का अंतर, पॉजिटिव से नेगेटिव विभव का अंतर बन गया, इसी को विभवांतर बोलते हैं, जो बैरियर पोटेंशियल और रोधिक विभव कहलाता है। जो क्या कहलाता है? बैरियर पोटेंशियल। इसी प्रकार दो इलेक्ट्रोड वाली अर्धचालक इकाई का निर्माण हो जाता है जो संधि डायोड के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, ये जो संधि डायोड है यहाँ पे एक वोल्टेज का निर्माण हो जाता है जिसे हम संधि डायोड कहते हैं, और इसका मान क्या होता है? सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट तथा जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। तो ये सिलिकॉन के लिए अलग होता है और जर्मेनियम के लिए अलग होता है। ये मैंने आपको इसका एक मूल संरचना बना के दिखा दी, इसको बोलेंगे मूल संरचना या बेसिक, जो इसकी बिल्कुल जैसे ये बनता है वैसे, और जब इसको थोड़ा सा अच्छे में प्रदर्शित किया जाता है तो इसको चित्र द्वारा एक
ब्लॉक डायग्राम से, तो ब्लॉक डायग्राम में ये ऐसे आ जाता है, यहाँ पी टाइप और ये एन टाइप, और ये डिप्लीशन लेयर ऐसे दिखा दी जाती है, और जो इसका सिंबॉलिक या संकेतिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है, मतलब सांकेतिक ये होता है ब्लॉक डायग्राम, और ये होता है सिंबॉलिक, इस वाले टर्मिनल को पी और इस वाले को एन बोलते हैं, तो वो हो गया सिंबॉलिक। तो ये था पीएन संधि डायोड का पूरा कंस्ट्रक्शन, तो आपको आई होप पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा समझ के। नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो 5-5 मिनट के ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके, एक टॉपिक आराम से आप 5 मिनट में कवर कर सकें, उसको नोट कर सकें, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, देन मैं धीरे धीरे लेक्चर्स की जो समय है वो बढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फॉरवर्ड वॉइसिंग, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायस डायोड को कंटिन्यू करेंगे।